ठीक है। हेलो, ये ग्राफ समझ में आया? टेनिक्स का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट सिस्टमेटिकली सोचोगे वन बाई वन स्टेप तो टफ नहीं है। समझ में आया या नहीं, फिर से समझा दो। हेलो, नहीं समझ में आया? एनीवन बोल सकते हो, कोई भी बोलो, समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ये ध्यान रखना कि हम लोग माइनस पाई बाई टू पे, पाई बाई टू पे, यहाँ पे क्या था, ये माइनस पाई बाई टू और ये पाई बाई टू, इसके बीच में क्या था एग्जैक्टली, इस पे देखेंगे तो कोई भी आउटपुट नहीं होगा, ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। इसके बाद जाओगे तो थ्री पाई बाई टू में तो कुछ सोचना नहीं है, है ना, क्योंकि ये पाई पे अब जीरो होता है, तो पाई पे जीरो हो जाएगा और बाकी ग्राफ ऐसे ही सेम टाइप के, सिमेट्रिक टाइप के ग्राफ बना देना है। इसमें जाएंगे तो ये माइनस पाई पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये माइनस थ्री पाई बाई टू पे अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। तो इस इधर जो ग्राफ बनाना है, सिमेट्रिक ग्राफ बना देना, अब याद रहेगा। हेलो, याद रहेगा यस या नहीं, हो जाएगा ना। तो टैन एक्स का ग्राफ ये हो गया, एंड सोन, इस तरह से चलते चला जाएगा, वाई इज इक्वल टू टैन एक्स का। तो बस समझाने के लिए बनाए थे कि इस तरह से जाता है, सिमिलरली कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, किसी को दिक्कत है तो बोलो, आवाज क्लियरली जाना है ना मेरा रुचिका। यस सर। हाँ, अब देखो सेकेंड जो है इसमें y इज इक्वल टू cot x, अब इसका ग्राफ बनाना है, प्लॉट करना है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू cot x, cot x के बारे में देखेंगे तो cot x इज इक्वल टू क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाई sin x, है ना। अब इसमें अनडिफाइंड का कंडीशन देखेंगे, अनडिफाइंड मीन्स उस पे आउटपुट नहीं दे रहा है, तो वो पॉइंट देखेंगे, तो वो पॉइंट कैसे आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होगा, वहां पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड का कंडीशन आएगा, ये अगर जीरो नहीं होगा तो आउटपुट देगा, अगर साइन एक्स का वैल्यू जीरो हो गया तो आउटपुट नहीं देगा। तो साइन एक्स जीरो कहाँ पे होता है, एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, पाई हो सकता है, टू पाई हो सकता है, एंड सो ऑन, माइनस पाई भी हो सकता है, माइनस टू पाई हो सकता है, इस तरह से आएगा। ये सुनो, मींस ये सब लाइन पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम लोग उसको क्या किए, ये वाई एक्सिस हो गया, है ना, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो गया। अब क्या करेंगे कि हम लोग वर्टिकल लाइन प्लॉट कर लेंगे, जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है तो जीरो पे एक अनडिफाइंड हो रहा है तो जीरो वर्टिकल लाइन आ गया, जहां पे पाई पे अनडिफाइंड है तो पाई एक लाइन प्लॉट कर लिए, टू पाई तो टू पाई एक लाइन प्लॉट कर लिए, है ना। माइनस पाई हो जाएगा, सिमिलरली ये माइनस पाई हो गया, ये पाई हो गया, टू पाई हो गया, ये सब पॉइंट पे क्या है, अनडिफाइंड है, ये हो जाएगा माइनस टू पाई, ये सब पे अनडिफाइंड है ना। अब वैल्यू देख लेंगे कि वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स था, है ना। तो देखो अनडिफाइंड है तो हम लोग देखेंगे जीरो प्लस पे क्या आ रहा है, एग्जैक्टली जीरो पे कॉट जीरो का वैल्यू अनडिफाइंड है, ये सुनो, समझ में आ रहा है ना, कॉट जीरो डिग्री, कोई दिक्कत नहीं ना। कॉट जीरो डिग्री क्या लिख सकते हैं, कॉस जीरो डिग्री डिवाइडेड बाई साइन जीरो डिग्री, तो ये तो अनडिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग अगर जीरो डिग्री पे अनडिफाइंड है तो जीरो प्लस एच पे देखना चाह रहे हैं, जस्ट ये वाले वैल्यू, तो ये वाले पॉइंट जो होगा वो जीरो प्लस एच डिग्री हम लोग दिए, है ना। तो y इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉट जीरो प्लस एच, तो फर्स्ट क्वाड में है तो कॉट एच, है ना, इसी को लिख सकते हैं कॉस एच वाई साइन एच। तो अब कॉस एच, एच जब जीरो के आसपास रहेगा तो बताए थे वन होगा, साइन जीरो के आसपास रहेगा तो ये 0.00000 इस तरह से आएगा, तो इसका जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, कभी भी इक्वल साइन मत देना इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है, दो चार पांच या ऐसे नहीं, फिक्स वैल्यू है, उसको जितना बड़ा कर सकते हो, है ना। तो इन्फिनिटी इट मीन्स जीरो प्लस पे कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसी तरह से कॉस पाई बाई सिक्स पे नॉन वैल्यू है, रूट थ्री होता है तो रूट थ्री दे दिए, है
है ना, जीरो कहाँ पे होता है, तो पाई बाई टू पे आएगा, एन पाई पे जीरो होता है। अगर कॉट एक्स का वैल्यू कॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो देखना है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू होगा, थ्री पाई बाई टू होगा, फाइव पाई बाई टू होगा, माइनस पाई बाई टू होगा, माइनस थ्री पाई बाई टू होगा। ये सुनो कैसे देखेंगे, तो कॉस एक्स बट डिवाइडेड बाई साइन एक्स, तो कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ पे जीरो होता है उसके अकॉर्डिंग सोचना है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब इसको जीरो देखना है तो क्या होना चाहिए, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये तो एन पाई टू एन प्लस वन पाई बाई टू पे होता है ना, तो ये ध्यान रखना, वैल्यू रखोगे तो ये पाई बाई टू हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से आएगा और जीरो मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे तो निगेटिव मिलेगा है ना, और ये माइनस इंफिनिटी चला जाएगा, तो इसमें ग्राफ सिमिलरली जस्ट उल्टा हो जाता है उसके, है ना, ये थ्री पाई बाई टू आएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से चला जाएगा। प्लॉट कर लोगे या और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिमिलर ग्राफ इस तरह से, ये माइनस पाई बाई टू होगा और इस तरह से बना देना है। समझ में आया, वाई इक्वल टू कॉट एक्स का, यहां पे देखोगे तो इसके जस्ट पहले देखो पाई पे नहीं देखा आउटपुट, तो पाई माइनस ये वाला जो पॉइंट आएगा वो पाई माइनस एच पे देखेंगे, तो ये माइनस इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। देखो जैसे दिखा देता हूं, कॉट पाई माइनस एच इज इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई माइनस एच बताओ, माइनस कॉट एच, अब इसको लिखोगे क्या, माइनस कॉस एच बाई साइन एच, अभी इसका बताए थे कि इसका इन्फिनिटी होता है तो माइनस इन्फिनिटी चला गया है ना, इक्वल साइन नहीं होगा, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो देखो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे देखो ये पाई बाई टू लाइन है, माइनस नहीं है, पाई बाई टू लाइन है, तो पाई बाई टू प्लस थर्टी डिग्री देखो, है ना, पाई बाई टू प्लस सिक्सटी डिग्री देखो, तो उस तरह से बना सकते हो। समझ में आया है, रफ आइडिया मिला। हेलो, यस सर, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको जाकर के प्रैक्टिस करना तो समझ में आ जाएगा, बस इसी तरह से ध्यान में रखना, इसको फिर से रिपीट करना पड़ेगा या हो गया। बोलो हो गया नहीं, और बताना है या हो जाएगा, रुचि का मानसू यस सर हो जाए। अब नेक्स्ट, ये ग्राफ एकदम रट लेना है, वाई इज इक्वल टू sec x, ये कौन सा नंबर, फोर, फिफ्थ नंबर हो गया है ना, y इज इक्वल टू sec x में क्या करना है कि फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ cos x, इसका रेसिप्रोकल ठीक है, sec x का क्या है, रेसिप्रोकल है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, cos x का ग्राफ बनाएंगे। अगर इसके बारे में देखना है कहाँ पे अनडिफाइंड होगा, तो sec x इज इक्वल टू वन बाई क्या होता है cos x, तो ये अनडिफाइंड होगा when x belongs to 2n plus 1 pi by 2, ये सुनो। यस सर, क्योंकि वहां पे जीरो मिल रहा है, अनडिफाइंड मीन्स क्या होना चाहिए, cos x इज इक्वल टू जीरो, तो अगर cos x इज इक्वल टू जीरो होगा तो वहां पे अनडिफाइंड आएगा, तो इसलिए लिख दिया हूं, अनडिफाइंड होगा जब 2n plus 1 pi by 2 होगा x इज इक्वल टू, तो करना कुछ नहीं है, इसमें ध्यान ऐसे रखना कि पहले ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, cos x का ग्राफ बनाए, तो cos x का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से जाएगा है ना, इस तरह से जाएगा, फिर क्या करना है, जहां पे जीरो हो जा रहा है वहां पे वर्टिकल लाइन बना लो, उसके बाद ग्राफ को क्या करना है, ये वाई इक्वल टू वन लाइन हो जाएगा, यहां पे जो जाएगा वाई इक्वल टू माइनस वन होगा। अब क्या करना है कि ग्राफ को जस्ट
इसका उल्टा कर देना है। यहां जो ग्राफ आया ये माइनस पाई पे वन होगा, इधर जो जाएगा ध्यान दो तो ये यहां पे वन हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो फाइनली जो ग्राफ आया व्हाइट वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा जी, कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आ गया ना? हेलो, अब इसको क्या कर देना है, ये हटा देना। नहीं समझ में आया? तो फाइनली देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो इस तरह से जाएगा, हालांकि उसके हेल्प से बनाना। कहां कहां पे जा रहा है, पाई बाई टू पे, थ्री पाई बाई टू पे, ये माइनस पाई बाई टू पे हो जाएगा, वाई इक्वल टू वन का लाइन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, मेंशन कर देना ये वाई एक्सिस हो गया, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू, कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है इसके बीच में, इस तरह से कुछ रहेगा, है ना। इसके बाद जस्ट रेसिप्रोकल में यहां पे आएगा, ठीक है, यहां भी उसी तरह से बनेगा, ऐसे आएगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा ये हो गया, सही नहीं लग रहा यार, बनाओगे cos x बना करके ही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। समझ में आया या नहीं? तो व्हाइट वाला लाइन जो है वो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है, ये सुनो, हो जाएगा या नहीं? जब भी रहेगा सेक एक्स, सेक टू एक्स का रहेगा तो पहले क्या करना है, कॉस टू एक्स का ग्राफ बनाना है, उसके बाद जहां पे जीरो हो रहा है वहां पे वर्टिकल लाइन प्लॉट करना है और उसका रेसिप्रोकल ले लेना है। देखो ऐसे भी समझोगे तो ये वाले जो ऐसे समझना चाहोगे तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान दो, देखो ध्यान देना इसमें, इस वाले पॉइंट पे है ना ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू sec x इज इक्वल टू वन बाई cos x, है ना। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो मिल रहा है, तो जीरो वन बाई जीरो मीन्स एग्जैक्टली जीरो नहीं है बट वो जीरो के आसपास है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो देखो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ पे देखेंगे cos x इज इक्वल टू वन होगा तो sec x इज इक्वल टू भी क्या होगा, वन होगा, है ना। जब इस पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ पे भी देखो कि cos x का वैल्यू जीरो के आसपास है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये इन्फिनिटी के तरफ चला जाएगा, है ना। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे cos x का वैल्यू माइनस जीरो के आसपास है तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा। ये देखो माइनस इन्फिनिटी के तरफ जा रहा है ना, इधर जो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी, इधर जो जा रहा है वो प्लस इन्फिनिटी, समझना है। आई बस समझ में? हेलो, देखो ये वाले पार्ट में सारा निगेटिव ही है तो ऑब्वियसली निगेटिव में ही आएगा, रेसिप्रोकल लेंगे तो जीरो से वन के बीच में है तो ये माइनस वन से ग्रेटर वैल्यू मिलेगा। समझ में आया या नहीं बोलो? यस सर। ठीक है, अभी बेसिक ग्राफ बता रहा हूँ, इतना ही याद रखना, बाद में ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इतना से काम चल जाएगा बट वो धीरे धीरे, अभी नहीं। y इज इक्वल टू कोसेक एक्स, बस रिलेट करके अभी याद रखना है, दिस इज इक्वल टू क्या होता है जी, वन बाई साइन एक्स। तो तुमको पहले क्या करना है, फर्स्ट प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, देन क्या करना है, टेक द रेसिप्रोकल, देन टेक द रेसिप्रोकल of above graph। तो देखो y is equal to क्या करना है, sin x का ग्राफ बनाना है, तो y is equal to sin x का ग्राफ तो पता ही है, ये जीरो हो गया, पाई पे जीरो होता है, टू पाई पे जीरो होता है, थ्री पाई पे जीरो होता है, माइनस पाई पे जीरो होता है, माइनस टू पाई पे जीरो होता है ना,
तो इस तरह से ये ऐसे जाएगा, इस तरह से जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह से गया, यहाँ पे इस तरह से गया एंड इस तरह से चला जाएगा। माइनस वन से वन के बीच में होगा ये जो लाइन जाएगा, y इज इक्वल टू वन, x एक्सिस के बिलो जो है वो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो जीरो हो रहा है x इज इक्वल टू जीरो पे, ध्यान दो x इज इक्वल टू इस पाई पे, तो ये वर्टिकल लाइन जहां पे जीरो हो रहा है वर्टिकल लाइन प्लॉट कर देना, क्योंकि वन बाई डेट वैल्यू क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा जहां पे जीरो मिलेगा, ठीक है। तो वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दिए जहां पे जीरो मिल रहा है वहां पे, ठीक है। और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ग्राफ का, तो देखो इस वाले पार्ट का जो रेसिप्रोकल आएगा वो एग्जैक्टली जीरो मिल रहा है वहां पे अनडिफाइंड होगा, लेकिन उसके बाद तो वैल्यू आ जाएंगे, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सोचना कैसे है, इस तरह से सोचना है कि यहां देखो जीरो में ऑलमोस्ट जीरो है बट पॉजिटिव में है, तो रेसिप्रोकल लोगे तो इन्फिनिटी जाएगा, यहाँ भी वैसे ही है, यहाँ भी देखो जीरो मिल रहा है बट वो निगेटिव में है, तो उसका रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस इन्फिनिटी में आ जाएगा, है ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो ग्रीन वाले जो कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स का ग्राफ हो जाएगा। आई बात समझ में? हेलो, तो दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो बताओ, हाँ तो ये जीरो हो गया, ये पाई हो गया, टू पाई हो गया, थ्री पाई हो गया, फोर पाई हो गया, माइनस पाई हो गया, माइनस टू पाई हो गया, है ना, माइनस थ्री पाई हो गया। वो देखो ग्राफ तो वो हैबिट हो जाएगा कहाँ पे जा रहा है। देखो वन मिलता है कहाँ पे, पाई बाई टू पे, यहाँ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये बोर्ड रहता तो ज्यादा क्लियरली दिख जाता, हालांकि इसी में कोशिश कर रहा हूँ। ये पाई बाई टू हो जाएगा, ये जो पॉइंट मिला है वो थ्री पाई बाई टू होगा, कम लिख रहा हूँ कि ज्यादा क्लियर रहे, लिख दूंगा तो वो हॉच पॉच हो जाएगा, एकदम दिखेगा ही नहीं कि क्या किए हुए हैं, बट बाकी एक ओवरव्यू मिल गया कि किस तरह से ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, मिल गया ना, पता चल गया ना क्या करना है जो। हेलो, बोलो ये सुनो, यस सर, एटलीस्ट कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, तो ऑल सिक्स ग्राफ याद हो जाएगा। यस सर। ओके, अब देखो ग्राफ तो याद करते रहना है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबका ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो ग्राफ है, टेन एक्स का है कि एक का याद रखना कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में इस तरह से जाता है, ये सब वैल्यू देखोगे तो पाई बाई फोर हो गया, माइनस पाई बाई फोर हो गया, वो तो आएगा ही, तो एक ग्राफ याद रखोगे और उसी को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है। ये देखो पाई बाई, ये पाई के बाद ही रिपीट होता है ना, इसका जो लेंथ है वो पाई है, पाई के बाद क्या हो रहा है, रिपीट कर जा रहा है, यहाँ देखोगे पाई के बाद, तो ये पाई का पीरियडिक होता है, पाई के बाद रिपीट कर जाएगा। कॉर्टेक्स का भी देखोगे तो पाई के, ये जो होता है ये वाले देखोगे पाई के बीच में ही जाएगा, हमेशा पाई के बीच में जाएगा, इसका लेंथ देखोगे तो पाई ही होगा, ये सब में देखोगे तो टू पाई के बीच रिपीट करता है। ये टेन एक्स का है, ये यहाँ पे देखोगे, ध्यान देना, ये कॉस एक्स का है, तो ये देखो जीरो पे यहाँ पे मिला है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे वन है बेसिकली, तो वन कहाँ पे मिल रहा है, ये वाले जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, टू टू पाई, एक्स इज इक्वल टू टू पाई पे, तो ये जो लेंथ देखोगे टू पाई का पीरियोडिक होता है लेंथ, समझ में आ रहा है, टू पाई के बाद सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है। साइन एक्स में भी देखोगे तो देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो दे रहा है, फिर से जीरो देखोगे, ये तो पाई पे आ रहा है लेकिन ग्राफ फिर से इसी तरह से रिपीट करना चाहिए कि वाई का वैल्यू फिर से रिपीट इसी ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ तो नीचे जा रहा है, तो जीरो यहाँ हुआ और फिर से रिपीट कर रहा है, इट मीन्स ये जो लेंथ है ये वैल्यू टू पाई है, तो यहाँ से यहाँ लेंथ देखेंगे तो टू पाई लेंथ होगा, ठीक है। तो टू पाई का पीरियडिक होता है सिर्फ कॉर्टेक्स और टाइनेक्स होता है जो पाई का पीरियडिक होता है, इसके रिवर्स वाले में देखोगे तो वैसे ही जाएगा,
कि ग्राफ देखोगे ये जो रिपीट कर रहा है वो यहाँ पे कर रहा है, तो जीरो और यहाँ पे जीरो, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग देखोगे तो ये जीरो हो गया और ये वाले जो पॉइंट आते हैं वो क्या हो जाएगा बोलो, टू पाई है ना, ये जीरो है तो टू पाई का ये भी पीरियोडिक होता है, टू पाई के बाद सेम आउटपुट देगा, ठीक है, आप ध्यान दो। इसके बाद यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एक बार देख लेना कैसे ग्राफ बनाए हैं, फिर उसका ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह है वो बाद में देखेंगे। अब इसके बाद कंपाउंड एंगल्स देखते हैं, ये पी वन पॉइंट याद दिलाना कौन कौन सा पॉइंट बताया हो, पी वन से स्टार्ट कर रहा हूं कंपाउंड। अब इसमें क्या होगा कि कंपाउंड एंगल्स में सपोज इसका डेरिवेशन हम लोग, डेरिवेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा तो डेरिवेशन हम लोग देखेंगे, तो टू एंगल्स हैं ए एंड बी, तो अलजेब्रिक सम और डिफरेंस ऑफ टू और मोर एंगल्स इज कॉल्ड कंपाउंड एंगल्स, है ना, इसका जरूरत नहीं है बट फिर भी अलजेब्राइक सम और डिफरेंस जो होगा ऑफ टू और मोर एंगल्स का क्या कहलाएगा, कंपाउंड एंगल्स कहलाएगा। जैसे दो एंगल्स यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना, ये सब कंपाउंड एंगल, ए प्लस बी प्लस सी या ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे थ्री एंगल्स हैं, है ना, यहाँ पे दो एंगल्स है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलो, अब देखो इसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे आवाज जा रही है सबको, यस सर, फर्स्ट नंबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला किसी को याद है, ये डायरेक्टली याद रखना है, है ना, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं, साइन ए होगा इनटू कॉस बी होगा प्लस कॉस ए होगा इनटू साइन बी होगा, ठीक है, ध्यान दो फॉर्मूला याद कैसे रखोगे, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए आएगा, किसी को फर्स्ट में जो लिखे हुए हो उसी को लिख दोगे यहाँ पे साइन ए, तो कॉस के साथ सेकेंड वाला चला जाएगा एंगल, दोनों सेम नहीं रहेगा, कॉस बी, अब कॉस बी इस तरह से कर लियो तो कॉस, अब यहाँ पे साइन बी वाले आएंगे तो साइन बी आएगा तो कॉस के साथ ए चला जाएगा, ठीक है। सेकेंड साइन ए माइनस बी, देखो यहाँ डिफरेंस साइन है तो साइन ए यहाँ लिखेंगे, इसी में क्या करना है, यहाँ पे कॉस बी चला जाएगा माइनस हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, सिर्फ डिफरेंस आ जाएगा वहां पे, है ना, सी का। अब इसके साथ चले हो गया, है ना, हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़ेंगे तो साइन कॉस और टैन के लिए, दूसरे में रहेगा तो उसको साइन और कॉस में चेंज कर देना है। अब देखो कॉस के साथ आएगा ए प्लस बी, तो इसके साथ जो होता है कॉस वाले जब रहेगा तो कॉस ए इंटू कॉस बी लिखेंगे, और यहाँ पे क्या होगा माइनस आएगा, जब प्लस रहेगा तो ध्यान रखना माइनस होगा, और यहाँ पे साइन कॉस ए वाले ले लिए कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे अब बच गया साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। डी नंबर कॉस ए माइनस बी रहेगा तो होगा कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ देखो प्लस होगा साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस वाले में कॉस ए इंटू प्रोडक्ट जो होगा कॉस के साथ दोनों कॉस वाले ही रहेंगे, साइन वाले अलग रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ देखो प्लस है, इसलिए मार्क कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। हेलो, नो सर, ओके, ये सब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो डिफरेंस में दोनों साथ लेकर के चल रहे हैं ई में। अब देखो टैन ए प्लस बी, इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसका जो आएगा वो क्या करना है, साइन और कॉस वाले को लिख सकते हैं ना,
इसका साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, बट फाइनली जो आएगा इसको लिखेंगे टैन ए, सिंप्लीफाई करने के बाद टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाई वन माइनस हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है। इफ टैन ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू टैन ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा टैन बी, और देखो डिनोमिनेटर में वन प्लस हो जाएगा टैन ए इंटू टैन बी। आई बात समझ में? देखो इसमें माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे माइनस हो गया है लेकिन यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखो। जब ए प्लस बी है तो देखो यहाँ पे क्या है प्लस नहीं है तो यहाँ माइनस होगा, तो ये ध्यान रखना। ए प्लस बी है तो टैन ए प्लस टैन बी होगा डिवाइडेड बाई वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। हालांकि इसको बनाने अगर भूल गए तो इस तरह से साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी, यहाँ से देख सकते हो यहाँ से वही आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद वो आ जाएगा, है ना। तो ये सारा फॉर्मूला क्या करना है, याद ही करना है, एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जैसे इसका यूज कैसे करेंगे कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है, है ना। अब इसमें क्या यूज करेंगे, इसको लिख सकते हैं नोन वैल्यू लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो? यस। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे, देखो डिफरेंस वाला है तो साइन ए, ये ए है और ये क्या है बी है, तो साइन ए 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, है ना, क्या होता था साइन ए माइनस बी, अभी बताया साइन ए लिखेंगे तो साइन के साथ साइन ए होगा और कॉस ए होगा, ठीक है, तो कॉस सॉरी कॉस बी होगा, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा। अब साइन ए ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या होगा साइन बी इंटू कॉस ए, तो देखो साइन 45 डिग्री जो यहाँ पे रहेगा वो लिखना है पॉजिटिव में रहेगा, जो पॉजिटिव में रहेगा वो पहले लिखना है, फिर कॉस 30 डिग्री यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन 45 ले लिए तो साइन 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे और जो रेस्ट बचे हैं वो कॉस के साथ चला जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 बाई रूट टू इंटू रूट थ्री बाई टू माइनस 1 बाई टू इंटू 1 बाई रूट टू, यहाँ से आ जाएगा रूट थ्री माइनस 1 बाई टू रूट टू। समझ में आया? हेलो। यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसके बाद क्या करना है कि जैसे ए एंड बी को ऐड कर रहे हैं, है ना, ई एफ जी में एडिंग ए एंड बी, ध्यान दो, अगर ए एंड बी को ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो, ये था ना जी ए है और ये बी है, दोनों को ऐड करेंगे तो कौन सा कैंसिल आउट होगा, ये वाला देखो पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों में, यस और नो? यस। तो लिख ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी मीन्स टू साइन ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ साइन, तो फॉर्मूला तो याद नहीं करना है, ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और इसी के साथ साइन ए माइनस बी वाले ले लेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना, दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग, एक मिनट, तो देखो ऐड करेंगे तो क्या होगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू टू साइन ए इंटू कॉस बी, ये सुनो। तो जी में फॉर्मूला क्या रखना है यार कि टू साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी अ प्लस
साइन ए माइनस आई बात समझ में, ये फॉर्मूला याद रखना। हेलो यस सर। ठीक है तो जी में ये फॉर्मूला होगा, उसके बाद अब एच में जो जाएंगे है ना, ये जी फॉर्मूला हो गया। अब ए एंड बी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए एंड बी। तो देखो ए एंड बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ध्यान देना, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी आ जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो लिख देता हूं साइन ए माइनस, डायरेक्ट कर दूं? यस सर। चलो एक लाइन लिख देता हूं, उसके बाद लिखेंगे नहीं, कॉस बी साइन ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस, सॉरी यहाँ पे बी होगा और ये ए होगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे, डिफरेंस ले रहे हैं, तो डिफरेंस लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यहां माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू टू साइन बी इंटू कॉस ए। तो देखो ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, वो पहले वाले फॉर्मूले से कम चल जाएगा। तो टू कॉस ए इंटू साइन बी अगर रहता है ना, तो क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला एच हो जाएगा। हालांकि देखो इसको बनाने का तरीका ऐसे ही कर सकते हो, वही आएगा कि इसको चेंज कर लेना, टू साइन b लिख लेना इंटू कॉस a लिख लेना। अब पहले वाले फॉर्मूला में क्या था कि 2 साइन a, ध्यान दो ये जो फॉर्मूला आया 2 साइन a इंटू कॉस b, 2 साइन a इंटू कॉस b, तो क्या लिखते थे, साइन a प्लस b दोनों को ऐड कर लेते थे, बीच में प्लस देते थे, और साइन दोनों का साइन लिख करके साइन a माइनस b लिखते थे, है ना। 2 साइन a इंटू, देखो एक साइन है एक कॉस का आया, 2 मल्टीप्लाई है, अगर सिर्फ साइन a इंटू साइन b, साइन ए इंटू कॉस भी रहेगा तो टू से क्या करेंगे, बेसिक मैनिपुलेशन, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके फिर बना लेंगे, है ना, तो बाई टू हो जाता। अब ध्यान दो तो यहाँ पे साइन का ही दोनों टर्म होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, और बीच में भी क्या आएगा, प्लस आएगा, तो इसी में क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, तो कॉस साइन भी है। तो देखो फॉर्मूला अगर ऐसे लिख लेना, टू साइन ए इंटू फर्स्ट वाले याद रखना कॉस बी, दिस इज इक्वल टू साइन क्या होता था, ए प्लस बी है ना, अब प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से लिखोगे तो साइन लिखना, देखो फर्स्ट में क्या है, बी आ रहा है तो बी अब प्लस क्या लिखोगे, बाद में ए आ रहा है तो ए लिख दी प्लस, ठीक है, साइन लिखेंगे, फर्स्ट में क्या आ रहा है, बी आ रहा है तो बी लिख दिए माइनस ए लिख दिए। अब इसी को चेंज करोगे तो ये बताया थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, याद है ऐसा कुछ बताया था, ये सब yes, तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसमें अगर चेंज करोगे तो देखो इसी को लिख सकते हो, रीअरेंज कर लो, ए प्लस बी हो गया, और देखो माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस साइन क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ये सुनो लिख सकते हैं ना, साइन बी माइनस ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन माइनस ए माइनस बी, है ना, उस थीटा के तरह क्या होगा, थीट होगा, तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी, वही काम है ना। तो फॉर्मूला एक ही याद रखना हो, दूसरे में कंफ्यूजन होगा तो दूसरे के बारे में सोचना नहीं है, उसको क्या करना है, उस पैटर्न में ढाल लेना है, उस पैटर्न में चेंज करके यूज कर लेना है, ठीक है। हेलो यस और नो? यस सर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है सी फॉर्मूला क्या था,
कॉस ए प्लस बी, क्या बताए थे बोलो, कॉस ए इंटू कॉस वाले में दोनों कॉस साथ में रहेगा, यहाँ डिफरेंस होगा साइन ए इंटू साइन बी, ये सब रट करके आना है अगले बार। और डी फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी, इसमें क्या होता है कॉस तो साथ में रहेगा प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ए इंटू साइन प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ भी वही करेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला था जी एच आई में है ना, आई वाले दोनों को ऐड करेंगे, सी प्लस डी कर रहे हैं ठीक है, तो सी प्लस डी करेंगे तो बताओ क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, राइट साइड में बताओ क्या आएगा, टू कॉस ए कॉस बी। हाँ तो अब आई फॉर्मूला में क्या याद रखना है, टू कॉस ए इंटू कॉस बी दिस इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी है ना प्लस कॉस ए माइनस, ये ध्यान रखना ठीक है। देखो टू दोनों कॉस ए इंटू कॉस बी रहेगा, साइन वाले में अलग होता है ठीक है, टू साइन ए इंटू कॉस बी वो अलग होता है, दोनों साइन में चला जाता है, अगर दोनों कॉस में है तो दोनों कॉस में रहेगा है ना, दोनों कॉस में है मल्टीप्लीकेशन में तो वो कॉस में जाएगा, कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी ठीक है। अब देखो सी माइनस डी जे हो गया ना जी, सी माइनस डी अगर सी माइनस डी करेंगे दोनों को देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ क्या होगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये सुनो देखो सी माइनस डी लिख रहे हैं तो माइनस करोगे तो देखो ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे ठीक है, कॉस ए वाले बच जाएंगे, राइट साइड में माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी है ना, इसको एडजस्ट करके लिख सकते हो टू साइन ए इंटू साइन बी दिस इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं किया जा सकता, समझ में आया, हेलो यस सर ठीक ना, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, इसमें भूलना नहीं है, दोनों अगर प्रोडक्ट साइन वाले रहेंगे तो कॉस का डिफरेंस में जाएगा, बट वो डिफरेंस वाले कॉस ए माइनस बी यहाँ पे होगा और कॉस ए प्लस बी यहाँ पे होगा, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, टू साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो फॉर्मूला इस तरह से होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी है ना, और दोनों कॉस के प्रोडक्ट में रहेगा तो दोनों कॉस में चला जाएगा, दोनों साइन के प्रोडक्ट में रहेगा तो दोनों कॉस में चला जाएगा, बट वो डिफरेंस रहेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बोलो, तो एक बार आगे का भी फॉर्मूला, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नो सर है ना, तो बाकी फॉर्मूला हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट एक बार तुम लोग क्या करना कि एक बार क्या करना कि जो बुकलेट है ना मैथ्स का, ये ट्रिग्नोमेट्री का डाउनलोड कर देना ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज डाउनलोड किया हो, यस डाउनलोड करके होमवर्क भी दिए थे। हाँ तो क्या करना कि फॉर्मूला सारा ट्राई करना याद करने का, फिर कुछ कुछ आ रहे हैं जो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में कैसे डिराइव करते हैं जो है ना, वो ट्राई अप टू यहाँ तक तो याद करके आना, उसके बाद देखेंगे, इसके बाद देखना ये वाले आएंगे, ये तो प्रोडक्ट टू हम लोग देखो, ये प्रोडक्ट टू सम में जा रहे हैं, कंपाउंड एंगल्स वहीं तक खत्म हो गया था है ना, प्रोडक्ट टू सम में जा रहे हैं, एक होगा इस तरह से कि साइन सी प्लस साइन डी, ये भी देख लेना कॉस सी प्लस कॉस डी, बताएंगे बाद नेक्स्ट क्लास में साइन सी माइनस साइन डी, हालांकि देख चुके हैं इसी में चेंज करना है
साइन, अच्छा साइन सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी। देखो ये सब फॉर्मूला देखना है तो इससे किस में जाना है, प्रोडक्ट में जाना है, डिफरेंस और सम से प्रोडक्ट में जाना है। यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में गए, तो क्या करना है कि ऊपर वाले फॉर्मूला में ए प्लस बी को सी पुट कर देना और ए माइनस बी को डी पुट कर देना, ठीक है। इसके हिसाब से देखो ए यहां से जो आएगा सी प्लस डी बाई टू आएगा ए का वैल्यू, सी माइनस डी बाई टू आएगा बी का वैल्यू। ये सुनो, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा बदमाश। जैसे देखो ये सुनो, आएगा ना, दोनों को ऐड करो तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस डी बाई टू। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो इन टर्म्स ऑफ क्या कर रहे हैं, ए एंड बी को इन टर्म्स ऑफ सी एंड डी कर रहे हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जैसे इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, पहले फॉर्मूला कौन सा आया था, एक ही फॉर्मूला को उठा के देख रहे हैं, किस में जा रहे हैं, प्रोडक्ट से डिफरेंस में, साइन वाले में। तो एक फॉर्मूला लिख लो, जैसे एक लिख लिए साइन टू साइन ए इंटू कॉस बी, इसका याद है क्या बताए, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम लोग को देखना है क्या, साइन सी प्लस साइन डी में इस तरह से फॉर्मूला डिराइव करना है। तो ये देखो डिफरेंस और सम में है, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी को सी बोल देंगे और ए माइनस बी को डी बोल देंगे, है ना। तो साइन सी प्लस साइन डी के टर्म्स में चला जाएगा। तो अब ये जो वैल्यू है वो क्या हो गया, साइन सी प्लस साइन डी, है ना, इज इक्वल टू, यहाँ देखो राइट साइड में टू यहां से यहां आ रहे हैं तो टू साइन ए है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू आएगा सी प्लस डी बाई टू आएगा। तो साइन सी प्लस डी बाई टू इन टू देखो कॉस बी का जो वैल्यू है वो सी माइनस डी बाई टू, इस तरह से डिराइव कर लेना सारे के लिए। आई बात समझ में, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ये फोर के लिए, और वहां तक तुम लोग याद करके आना, ठीक है। हेलो, नहीं समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा था कुछ कुछ? यस सर। ओके, अब करना क्या है, कुछ होमवर्क लिख लो, क्योंकि ग्राफ के साथ साथ ये सब फॉर्मूला याद करना है। कल संडे टेस्ट नहीं ना है? नो सर। नहीं है तो फिर तो कर सकते हो, क्वेश्चंस बनाने का, कुछ कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे देते हैं ताकि, और एक देख लेना जैसे बुकलेट में उसको देखोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब थ्योरी के बाद क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो एक दो ट्राई करते रहना, है ना, बनाने का ट्राई करना। इसमें ट्राई करना है एक्सरसाइज वन का, एक्सरसाइज वन का 22 to 27 तक। ट्राई करना 31 तक बन जाना चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज यूज किया गया है ना। यहाँ तक नहीं, 35, ठीक है, ओके 35। तो दिक्कत नहीं ना, 38 एक्सरसाइज टू में, इलेवन टू ट्वेंटी टू, ठीक है, इतना कंप्लीट कर गया। किसी को कुछ पूछना है बोलो। किसी को कुछ पूछना है, आयुष, हिमांशु, मानसी, रुचिका, नीति, मानसी बोलो,
पूछना है नीति नहीं रुचिका नो सर हाँ तो याद वागिसा चली गई पूछना है जी नो सर ओके चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है बाय बाय टेक केयर गुड नाइट